काउंसलिंग में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर डीसी ऑफिस परिसर स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान हजारीबाग के प्रतिभा कुमारी और गिरिडीह के रॉकी नवल शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी कोई हेमंत सरकार से भीख मांगने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद 13 जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग कर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन बुधवार की देर रात एनआईसी में लिस्ट अपलोड किया गया और वैसे अभ्यर्थियों को कॉल कर सूचना दिया गया जो सही तरीके से अर्हता नहीं रखते थे और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जबकि काउंसलिंग में करीब 250 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में नाम होने और एनआईसी के वेबसाइट में लिस्ट देर रात क्यों अपलोड किया गया और दूसरे दिन सुबह रिपोर्टिंग का क्यों आनंद फानन में निर्देश दिया गया। काउंसलिंग में शामिल होने आए कई अभ्यर्थियों का इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक से भाषाबाजी भी हुई और इससे गुस्से में आकर शिक्षा अधीक्षक ने कई अभ्यर्थियों का उनके काउंसलिंग करने से मना कर दिया। इसी से गुस्से में आकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि एक ही अभ्यर्थी खोटा भाषा से जुड़े 13 जिलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किए थे और एक ही दिन में शिक्षा विभाग ने 13 जिलों के लिए अचानक क्यों काउंसलिंग का लिस्ट एनआईसी में अपलोड कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए हो रहे काउंसलिंग को राज्य स्तर पर किया जाता है। आखिर एक एक अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों के अप्लाई किए हैं, वे एक ही दिन अलग अलग जिलों में होने वाले काउंसलिंग में शामिल कैसे होंगे। बताते चले कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को निकाला था। इसमें कुछ जिलों के लिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन खोटा भाषा से जुड़े 13 जिलों के बहाली की प्रक्रिया गलत होने के कारण हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के आधार पर पुराने प्रक्रिया को रद्द करते हुए काउंसलिंग के जरिए बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। मेरा नाम सतगुरु कुमार, मैं कोटरमा से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पर 3 सीट वैकेंट दिखा रहा था, तो 3 जनरल का, गैर पारा साइंस का, तो लेकिन अब क्या है, इसमें सिर्फ एक ही का निकाला गया है, बाकी दो तो बचे हुए हैं। तो हम, मेरा मांग ये है कि वो दोनों को निकाला जाए, उसको जो नीचे है उनको मौका दिया जाए, यही मेरा मांग है, और इसको निकाला जाए हम लिस्ट फिर से। लाया गया था तो हर कोई रांची से आए हैं, कोई जमशेदपुर से आए हैं, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इन लोगों का काउंसलिंग है नहीं। और दूसरी बात यह है कि यह भी अभी बताया जा रहा है कि जो पिटिशनर नहीं है उनका भी काउंसलिंग होगा, जबकि उनका यहाँ कोई आधार नहीं बनता था, जो पिटिशनर थे उनके लिए ही आदेश था, लेकिन पता नहीं ऑफिस का यहाँ क्या रवैया हम लोग, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम उनको भी ले लेंगे जो पिटिशनर नहीं है, नंबर ज़्यादा हो तो हम ले लेंगे, ये समझ से परे की बात है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि 10-12 साल हो गया इन लोगों का, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, जो टेट पास किए हैं उनकी सीधी भर्ती हो, सीधी नियुक्ति हो, ताकि इन लोग भी चैन की नींद सो सके। और सरकार की पॉलिसी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर वैकेंसी कैंसिल हो जाती है और खुलेआम क्या बोलना अभी कैमरा में आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा। सहायक अध्यापक निकाल के 20 वर्ष से काम करते आ रहा हूँ और पिछले बार मैं गैर पारा में आवेदन दिया था। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा, मैं सहायक अध्यापक में काम करता हूँ। उस समय दिया गया था कि अब सहायक अध्यापक कोई भी पारा गैर पारा नहीं भर सकता, लेकिन और जो जो भरा था उनको काउंसलिंग नहीं लेने दे रहा था, जो जो काउंसलिंग में भाग ले रहे थे उनको गाली दे के भागा रहा था, इसलिए हम लोग डर से काउंसलिंग में नहीं भाग दिए। जो जो पहले साथी लोग गए अगला काउंसलिंग, पाँचवा चौथा काउंसलिंग में गए, उनको गाली दे के भागाने लगा, हम लोग भाग नहीं है, उन्होंने कहा बस कोर्ट केस है, नहीं है कोर्ट केस नहीं है, हम लोग को छाड़ दिया गया और बताए 44 तक लिया गया हम लोग को, और अभी हम लोग 56.42 है, लेकिन अभी बोल रहा है कि आपका सीटें नहीं है, गैर पारा में आपका सीटें नहीं है, आप कहाँ से लेंगे हम, तो बताइए। मानिए ऐसे मैं ये बात अपनी मुख्यमंत्री तक पहुँचना चाहता हूँ या डीसी को भी पहुँचना चाहता हूँ, कृपया मेरे बातों को आप आनंद सुने थोड़ा सा और आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से बुलाना।